तो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉयड स्टील या फिर लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स, जिसको आप जानते हो नाम से। तो इस शेयर के अंदर आज फिर से आप लोग देखोगे भी 4.5% के करीब हैवी फॉल बनते नजर आए हैं। साथ में मार्केट के अंदर भी आप लोग देखोगे फॉल बना है। मार्केट में गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन रहा है अडानी ग्रुप के ऊपर। आपने देखा होगा अभी एक और रिपोर्ट जारी होते हुए नजर आई है, जिसको नाम दिया गया है हिडनबर्ग 2.0, यानी कि जो OCCR की जो रिपोर्ट आती हुई नजर आई थी ना, वो आप लोगों को जो ना भी अडानी ग्रुप के ऊपर, उसी के चलते अडानी ग्रुप में फॉल बना, सेलिंग प्रेशर था, और इन सब के चलते अडानी ग्रुप की वजह से ही मार्केट में हमें गिरावट बिकवाली का प्रेशर जो है बढ़ते हुए नजर आया है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे लॉयड स्टील के अंदर भी आज सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि पीछे भाई देखो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा मौका होता है शॉर्ट टर्म में मुनाफा बनाने का, 5-10% इसके अंदर बन जाता है। और वो मैं आपको जो ना बाखूबी तरीके से लेवल बताता हूँ, 39 के आसपास, 38 के आसपास हमारी जो है बाइंग थी, यानी 40 के नीचे में हमारा सब जो ना भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट था। और ऊपर में पहला टारगेट हमारा क्या था, 45 का, ठीक है। अगर 45 के आसपास स्टॉक जाए तो वहां पर हमारा 39 का आप लोग 43.90 का हमारा जो ना भी स्टॉप लॉस हो जाता है लगभग, ठीक है, वो स्टॉप लॉस होता है। अगर स्टॉक इसके ऊपर में निकलता है 49.30 के आसपास से, तो वहां से आप लोग देखोगे ऊपर के लेवल से फिर जो ना भी प्रॉफिट के अच्छे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर हमें वही लेवल्स वगैरह देखने को मिले हैं। और यहाँ पर आप लोग देखोगे ASM की फोर्थ स्टेज में ये शेयर अभी भी एक्टिव है। और हमारे पास एक का कमेंट आया कि ये जो फोर्थ स्टेज है या फिर ASM स्टेज है कब तक रहेगा। देखो भाई, इसका जो टाइम पीरियड होता है आई थिंक 90 डेज का होता है, 3 मंथ का होता है। 90 दिन के अंदर अंदर जो कुछ भी एक्सचेंजेस को लगता है या फिर SEBI की जो जाँच वगैरह होती है, उन सब के अंदर अगर कोई मामला गड़बड़ाया हुआ नजर आए तो वहाँ पर जो ना भी इसके ऊपर और कार्रवाई हो सकती है। अदरवाइज जो ना भी 90 डेज के अंदर अंदर इसको एक्सचेंज बाहर भी कर सकते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको जो ना भी बाहर करेगा। तो ये टाइम पीरियड होता है, ASM का कमेंट आता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए भाई, अब देख लेते हैं इसके कल के आखिरकार लेवल कैसे होंगे। आज जो वॉल्यूम आई है 2.2 मिलियन, यानी कि 22 लाख के करीब स्टॉक में वॉल्यूम लगी है। और स्टॉक जो ना भी आज फिर से टूटते हुए नजर आए और अपने बाउंड वीक हाई से शेयर 30% के डिस्काउंट पर फिर से आ चुका है। तो चलो देख लेते हैं अभी इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो लॉयड स्टील का जो डाटा देखने को मिला है, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 43.85 रुपये, ओपन हुआ 44.50 रुपये के भाव पर, और 44.50 का ही इसका हाई रहा है। फिर स्टॉक ने जो लो लगाया है वो 41.65 का, यानी स्टॉक में हैवी फॉलिंग हमें बनते हुए नजर आई थी, ठीक है। और जो क्लोजिंग हुई है 41.95 रुपये के आसपास, यानी स्टॉक लगभग अपने लोअर प्राइस तक आ चुका था, लोअर सर्किट स्टॉक में आज के दिन लग चुका था। ऐसे में आप लोग देखोगे बाय ऑर्डर लगते हुए नजर आए हैं मार्केट प्राइस के ऊपर लगभग 17,627 क्वांटिटी का। डिलीवरी पोजीशन यहाँ पर शो नहीं हो रखा है, तो चलिए भाई यहाँ पर से तो बाय का ऑर्डर जरूर लगते नजर आए, लेकिन चार्ट्स के ऊपर क्या कुछ मूवमेंट्स रहेंगे वो मैन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी जो शेयर है ये फिर से अपने ट्रेंड के नीचे में आते हुए नजर आए हैं। ऐसे में यहाँ पर जो सपोर्ट था ना हमारा वो 43.90 के आसपास का था ना, कल की वीडियो में आपको बोला था अगर 43 के ऊपर में निकले ना स्टॉक तो 43.90 का आपको ऐसा लेके चल देना है फिर, तो ठीक है। अगर ऊपर में स्टॉक अपर सर्किट लगाए तो अच्छी बात है अभी। तो यहाँ से फिर से आप लोग देखोगे स्टॉक में फॉल बना है और ये शेयर फिर से नीचे में आए 43.90 रुपये से। तो ऐसे में इसके अंदर बाइंग का जो ऑप्शन रहेगा, बाइंग का जो हमारा जोन रहेगा, वो फिर से आप लोग देखोगे 40 के नीचे में आए तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए हमारी एंट्री रहेगी और फिर स्टॉक में वहां से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए नजर आएगी। नीचे में सपोर्ट देखें तो 38.75 का इसका जो है स्ट्रॉन्गली सपोर्ट बना हुआ है, तो हमारी जो बाइंग रहेगी नीचे में 40 के नीचे में रहेगी। और स्टॉक में हमें जो है स्टैप में बाइंग करनी है, 40 के नीचे में हमें जो है 40% पैसा यूज करना है। अगर 40 नीचे आती 40 से 40% पैसा, उसके बाद आप लोग देखोगे 35 के आसपास आए, वहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट 30% रहेगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए देखोगे 40 के नीचे में आते ही एंट्री लेनी है और 38.75 रुपये का SL पुट करके हमें बैठना है और ऊपर में स्टॉक हमें जो है बाउंस बैक देते हुए नजर आएगा। तो यहाँ से जो है ये लेवल इसके बन रहे हैं ऊपर में, अभी भी आप लोग 39.90 रुपये का जो है ऊपर में रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होकर सस्टेन कर जाता है कल के दिन तो स्टॉक में एक अच्छी रैली के संकेत रहेंगे और ये 48 रुपये के आसपास भी जा सकता है। तो ये लेवल है, लेवलों के ऊपर फोकस कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।